हेलो दोस्तों नमस्कार कैसे हैं आप सब लोग आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन क्लासेस में दोस्तों हमने आदर्शवाद को कम्प्लीटली पढ़ा प्रकृतिवाद को पढ़ा प्रयोजनवाद को पढ़ा दोस्तों जिन्होंने भी हमारी ये कम्प्लीट वीडियो नहीं देखी है नीचे डिस्क्रिप्शन में इनकी लिंक दे दूँगा पहले उन्हें जाके पढ़ें ठीक है दोस्तों तो अब इनसे जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने वाले हैं उनकी बात हम इस वीडियो में करेंगे आपके आने वाली परीक्षा में जितने भी आदर्शवाद से प्रकृतिवाद से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने वाले हैं उन सब की बात इस वीडियो में की जाएगी तो सबसे पहले हम बात करते हैं आदर्शवाद की आदर्शवाद के अंतर्गत कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं वह हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे तो सबसे पहला हमारा प्रश्न है कि आदर्शवाद के अनुसार किस जगत का महत्वपूर्ण स्थान है सबसे पहला क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा हमारा आध्यात्मिक जगत का दोस्तों आदर्शवाद आध्यात्मिक जगत की बात करता है आप ये चीज नोट कर लें अच्छी तरीके से आदर्शवाद जो है पूरा आध्यात्मवाद पर ही आधारित है ठीक है दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि आदर्शवाद के अनुसार ब्रह्मांड की रचना किस शक्ति से हुई है दोस्तों आदर्शवाद एक आध्यात्मवादी विचारधारा है आप सभी को पता है तो इन इन्होंने जितने भी इनके आदर्श हैं इनकी जितनी भी मान्यताएं हैं वे सभी आध्यात्मवादी ही हैं तो इसका दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा आध्यात्मिक शक्ति द्वारा दोस्तों ब्रह्मांड की रचना आध्यात्मिक शक्ति द्वारा हुई है ऐसा आदर्शवाद का मानना है नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि आदर्शवाद के, आदर के प्रमुख प्रवर्तकों के नाम लिखिए दोस्तों ये आपसे एग्जाम में आ सकता है या उन प्रवर्तकों के नाम दे देगा और बताएगा यह जो नाम दिए हुए हैं ये कौन सी विचारधारा को मानते हैं इस प्रकार से कैसे भी घुमा के आपसे पूछ सकता है तो आदर्शवाद के जो मानने वाले थे वो कौन कौन थे सुकरात प्लेटो स्पनोजा तथा हीगल यह दोस्तों आदर्शवादी विचारक थे नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि आत्मनिष्ठ आदर्शवाद के जनक कौन हैं दोस्तों आत्मनिष्ठ आदर्शवाद के जनक वर्कले हैं दोस्तों जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सभी हमने इस वीडियो में रखे हैं नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं कि प्राचीन आदर्शवाद के जनक कौन है दोस्तों प्राचीन आदर्शवाद के जनक कांट हैं यह दोस्तों आपको ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा ठीक है कंफ्यूज ना हो ठीक है नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं कि वस्तुनिष्ठ आदर्शवाद के जनक कौन है दोस्तों वस्तुनिष्ठ आदर्शवाद के जनक हीगल हैं हैं ठीक है नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते जितने भी प्रकार के आदर्शवाद हैं सबके जनक हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से देखने के लिए मिल जाएंगे नैतिक आदर्शवाद के जनक कौन है तो दोस्तों नैतिक आदर्शवाद के जनक है प्लेटो ठीक है यहाँ तक क्लियर अब अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि किस दार्शनिक ने सत्यम शिवम सुंदरम का जीवन के शाश्वत मूल्य या आदर्शों के रूप में व्यक्त किया है तो है दोस्तों थे हमारे प्लेटो जिन्होंने सत्यम सुंदरम का जीवन के मूल्य या आदर्शों के रूप में व्यक्त किया है नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं कि आदर्शवादी शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं तो दोस्तों आदर्शवादी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य आत्म अनुभूति यानी कि स्वयं की अनुभूति करना अपनी आत्मा की अनुभूति करना यही आदर्शवादी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं कि आदर्शवादी दर्शन में वस्तु की अपेक्षा किसको महत्व दिया गया है तो आदर्शवादी दर्शन में वस्तु की अपेक्षा विचारों को महत्व दिया गया है अब हम एक इसमें क्या है कि आदर्शवाद में और प्रयोजनवाद में और प्रकृतिवाद में इनमें शिक्षण विधियां भी बहुत पूछी जाती हैं तो एक इसमें जो इम्पोर्टेंट शिक्षण विधि है बाद विवाद शिक्षण विधि इसके जनक कौन है दोस्तों तो इसके जनक जो है भारतीय आदर्शवादी दार्शनिक हैं ठीक है ना जो वाद विवाद प्रणाली है जो वाद विवाद शिक्षण विधि भी है जिसमें एक दूसरे से हम लोग बहस कर करते हैं तो वह उसके जनक जो है भारतीय आदर्शवादी दार्शनिक हैं ठीक है दोस्तों अब एक शिक्षण विधि है एक खेल विधि के जनक कौन है यह दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है यह बहुत बार पूछी जाती है इसके जनक दोस्तों हमारे हो जाएंगे फ्रोवेल ठीक है आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा कैसी प्रक्रिया है दोस्तों तो इसे हम देखते हैं कि आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है इन्होंने आध्यात्मिकता पर ही अधिक बल दिया है जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आदर्शवाद से अगर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं अगर उसमें आध्यात्मिक शब्द आए तो आप उसी पर टिक लगा के आए आदर्शवाद अगर उसमें पूछा जाए तो ठीक है दोस्तों यही ट्रिक्स होती हैं अब हम बात करते हैं प्रकृतिवाद हम देखते हैं कि प्रकृतिवाद से कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो बन सकते हैं आपके आने वाली परीक्षा के लिए तो सबसे पहले हम बात ये दोस्तों प्रकृतिवाद प्रयोजनवाद यह आपके सुपर टेट में भी हैं ये आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे इसीलिए आप इन्हें अच्छी तरीके से याद करें ठीक है हम देखते हैं प्रकृतिवाद से तो प्रकृतिवाद को दूसरे किस नाम से जाना जाता है दोस्तों अगर आपने हमारी वीडियो नहीं देखी हो तो उसे जरूर देखें हमने आपको उसमें साफ साफ बताया है तो प्रकृतिवाद को दूसरा भौतिकवाद के नाम से जाना जाता है नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि प्रकृतिवाद किसे अंतिम सत्य मानता है तो दोस्तों प्रकृतिवाद जो है वो पदार्थ को अंतिम सत्य मानता है इन्होंने प्रकृति जो नेचर होती है हमारी उस पर ज्यादा बल दिया है आध्यात्मिकता की अपेक्षा ठीक है प्रकृतिवादियों में किस ज्ञान का विरोध किया गया है तो दोस्तों प्रकृतिवादियों में पुस्तकीय ज्ञान का विरोध किया गया है इनका मानना था कि बालक को तो स्वतः प्रकृति की गोद में छोड़ दो वह स्वयं सीखेगा इसमें उन्होंने पुस्तकीय ज्ञान का बहुत विरोध किया है नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं कि प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा का केंद्र बिंदु कौन होता है

के अनुसार अनुशासन कैसा होना चाहिए तो दोस्तों इन्होंने तो अनुशासन की बात की है नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें कि प्रकृतिवादियों के अनुसार सर्वोच्चतम लक्ष्य क्या है जैसे कि हमने आदर्शवाद में पढ़ा था सर्वोच्चतम लक्ष्य उसमें क्या था आत्म अनुभूति और इसमें क्या है भौतिक संपन्नता की प्राप्ति नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है कि प्रगतिवादियों ने ज्ञान प्राप्ति के लिए किसे आवश्यक माना है तो दोस्तों ज्ञान इंद्रियों को सबसे आवश्यक माना है दोस्तों प्रगतिवाद ने ज्ञान इंद्रियों पर विशेष बल दिया है नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं कि प्रगतिवाद के कितने रूप हैं दोस्तों प्रगतिवाद के तीन रूप हैं मैंने आपको वीडियो में बताया था पहला था हमारा भौतिक प्रकृतिवाद दूसरा था यंत्रवादी प्रकृतिवाद और तीसरा था जीव विज्ञान का प्रगतिवाद ठीक है दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं प्रकृतिवाद ने यहाँ पर दोस्तों महत्व की जगह अस्तित्व है ठीक है आप ठीक कर लेना प्रकृतिवाद ने किसके अस्तित्व को अस्वीकार किया है दोस्तों प्रकृतिवाद ने आत्मा और परमात्मा के अस्तित्व को बिल्कुल नकार दिया था इसको अस्वीकार किया है नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं कि प्रकृतिवाद ने सीखने की किस विधि को जन्म दिया है दोस्तों यह इंपोर्टेंट है क्योंकि इसे प्रकृतिवाद ने ही जन्म दिया है तो वह हो जाएगी हमारी दोस्तों ह्यूमरिस्टिक विधि दोस्तों यह ग्रीक भाषा का शब्द है ठीक है और यह इस विधि के अंतर्गत क्या होता है कि बच्चे को क्रिया विधि द्वारा ही सिखाया जाता है ठीक है स्वयं खोज करना यह दोस्तों ह्यूमरिस्टिक विधि के अंतर्गत आता है नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा कैसी प्रक्रिया है दोस्तों शिक्षा एक स्वाभाविक प्रक्रिया है प्रकृतिवाद के अंतर्गत यह दोस्तों प्रकृतिवाद से बनने वाले बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे इन्हें आप अच्छी तरीके से याद कर लें यह आपके टैट सुपर टैट सी सब में पूछे जाएंगे ठीक है नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारा प्रयोजनवाद तो प्रयोजनवाद से देखते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं तो शिक्षा में प्रयोजनवाद के जन्मदाता कौन है तो दोस्तों शिक्षा में जो प्रयोजनवाद के जन्मदाता हैं वह हो जाएंगे हमारे चार्ल्स पियर्स ठीक है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं प्रयोजनवाद किसे सर्वोच्च स्थान देता है प्रयोजनवाद क्रिया को सर्वोच्च स्थान देता है ठीक है दोस्तों वन लाइनर में आएगा तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा फिर भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इस वीडियो में आपके हंड्रेड परसेंट क्वेश्चन फंसेंगे ठीक है दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं प्रियोजनवाद किसकी सत्ता को स्वीकार नहीं करता है तो प्रियोजनवाद ईश्वरी सत्ता को स्वीकार नहीं करता है यह अपनी क्रिया पर मुख्य बल देता है ठीक है दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं प्रियोजनवाद व्यक्ति को किस इकाई के रूप में स्वीकार करता है प्रयोजनवाद व्यक्ति को एक सामाजिक इकाई के रूप में स्वीकार करता है नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा कैसी प्रक्रिया है तो प्रयोजनवाद के अंतर्गत शिक्षा एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और वैसे भी दोस्तों अगर आपसे कोई पूछता है कि शिक्षा कैसी प्रक्रिया है तो शिक्षा एक निरंतर प्रक्रिया है या जीवन पर्यंत चलती है हम लोग जीवन भर सीखते ही रहते हैं ठीक है नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं प्रेग्माटिन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है दोस्तों इसकी जो उत्पत्ति है वह हमारी ग्रीक भाषा से हुई है नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि प्रयोजनवाद के अनुसार सर्वोच्चतम सत्ता किसकी होती है तो इसके अनुसार सर्वोच्चतम सत्ता समाज की होती है दोस्तों अगर प्रयोजनवाद से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाए और ऑप्शन में समाज हो तो आप उसी पर टिक लगा के आए ठीक है दोस्तों क्योंकि इन्होंने समाज पर अधिक बल दिया है बालक को इन्होंने सामाजिक प्राणी माना है ठीक है नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए तो वह स्वरूप जो है व्यवहारिक होना चाहिए नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं प्रयोजनवादी शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है बालक का सामाजिकरण करना दोस्तों मैं आपको पहले ही बता चुका था कि प्रयोजनवाद ने समाज समाजीकरण व्यवहार इन तीन चीजों पर मुख्य बल दिया है अगर प्रयोजनवाद से क्वेश्चन बन रहा है तो आप उसमें ऑप्शन में अगर समाज समाजीकरण व्यवहार इस प्रकार के ऑप्शन हैं तो आप उन्हीं पर टिक लगा के आएँ ठीक है दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद